सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। उठाने की इजाजत दी जाए, मैं जरूर सत्ता पक्ष की तरफ से जो भी जवाब देगा उसकी बात को हम सुनेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर वादा खिलाफी की है। जो कुछ भी वादे किए थे उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र चलता है तो विश्वसनीयता के आधार पर चलता है। सबसे बड़ा आधार लोकतंत्र का होता है परस्पर विश्वास। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो बात उन्होंने आपके समक्ष कही है कि नहीं मैं सुनूंगा, आज उन्होंने हमारी बात यहाँ नहीं सुनी है और इस वाकआउट इस समय किया है, मैं समझता हूँ। दूसरी चीज, जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी और साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप के बीच बातचीत का प्रश्न है, यह सच है कि जून के महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच बातचीत हुई थी। लेकिन हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी ने स्टेटमेंट देते समय यह पूरी तरह से अध्यक्ष महोदय स्पष्ट कर दिया, कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि इससे अथेंटिक स्टेटमेंट और किसी दूसरे का नहीं हो सकता। इसलिए मैं सर्वाधिक अथेंटिक स्टेटमेंट से जयशंकर प्रसाद जी का मानता हूं, क्योंकि जिस समय मोदी जी और मिस्टर ट्रंप के बीच बातचीत हो रही थी तो स्वयं हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी उसमें मौजूद थे। और मैं यह भी अध्यक्ष महोदय मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कश्मीर के सवाल पर किसी की मध्यस्थता स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि हम इस सच्चाई को जानते हैं। यदि यह निश्चित रूप से शिमला समझौते की मंशा के सर्वथा विपरीत होगा, इसलिए किसी की मध्यस्थता को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं। यह बात तो अपनी जगह पर है अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कश्मीर के सवाल पर हम इसलिए भी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यह राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, हम सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, हम सब चीज से समझौता कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान पर के साथ समझौता नहीं कर सकते। और अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पाकिस्तान के साथ यदि बात होगी, केवल कश्मीर पर बात नहीं होगी, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पर भी बात होगी। यह भी मैं दो शब्दों में स्पष्ट करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।